स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारी एकेडमी में रीजनिंग पे हम बात कर रहे हैं और रीजनिंग पे हम बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट पे आज पे क्योंकि इससे अमूमन दो तीन प्रकार के क्वेश्चंस बनते ही हैं कंपटीशन में और कुछ ना कोई क्वेश्चन बनता है तो कम से कम तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और, और भी बन सकते हैं इससे तो आज हम इस पर बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल जो टेस्ट है यानी वर्णमाला परीक्षण की जो बात है वर्णमाला परीक्षण के हम कह सकते हैं वर्णमाला परीक्षण पे हम बात करेंगे वर्णमाला परीक्षण यानी यानी अल्फाबेटिकल टेस्ट एक तरीके से एक इस इस जो इंग्लिश के अल्फाबेटिक्स हैं हैं अल्फाबेट उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अल्फाबेटिकल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं तो कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है इसमें एक तो अल्फाबेट खुद ही याद रखनी है ध्यान दीजिएगा तो अल्फाबेट क्या है कि छब्बीस अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W एक्स वाई और Z साथियों ये 26 अल्फाबेट्स हैं क्वेश्चन बनता है और थोड़ा हमें अगर हमने थोड़ा अच्छे से इसे देख लिया अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन का जो टाइम बच जाता है एग्जाम में तो कैसे कैसे करना एक तो हमें इनके नंबर पता होने चाहिए तो पता है एक से लेके छब्बीस तक है तो याद तो करते नहीं रहेंगे एक से लेके छब्बीस तक कैसे कौ, कौ, कौन सा नंबर किस नंबर पे बेसिक शुरू के पता कर लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस इनका जो टाइम है इनका जो अल्फाबेट्स हैं जो इनके उनको याद करने के लिए क्या करना है सबसे बेहतर तरीका यह एक शॉर्ट है हमारे पास तो वो शॉर्ट है ई जे ओ टी वाई एजॉरिटी इसमें क्या है कि पाँच पाँच नंबर के जो क्रम में है ये पाँच के गुणांक है पाँच दस पंद्रह बीस और पच्चीस ये प, आ, हमें याद करने के लिए आसानी होगी कि जो पाँच पाँच के अंतराल पे है तो पाँच पे ई हो गया दस पे जे हो गया तो इनके बीच का हम कैलकुलेट आसानी से कर लेते हैं ठीक है आगे पीछे का तो एक तो एजॉरिटी से हम याद कर सकते हैं एक तरीका यह है और हमें इनके नंबर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये चीज ध्यान रखना कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आ, कौन से नंबर पे अल्फाबेट ओ, ओ का कौन सा नंबर है तो सीधे आपको बता सकते हैं ओ का पंद्रह है इसके थ्रू बता सकते हैं तो हेल्प करने सॉल्व करने में काफी मदद मिल जाती है इससे अब ई पांच पे हो गया जे दस पे हो गया ओ पंद्रह पे हो गया टी पच्चीस सॉरी ई टी बीस पे हो गया और वाई जो है वो में पे हो गया तो इससे याद करने में आसानी होगी साथ ही साथ हमें क्या करना है कि इनके विपरीत नंबर भी याद रखने हैं तो तेरह तक मैंने इसीलिए लिखे हैं और बाकी तेरह के ठीक नीचे से हमने क्या किए हैं अन्य तेरह जो लास्ट के तेरह हैं वो लिखे हैं तो ए का लास्ट ए का जो उल्टा होगा इसमें ध्यान दीजिएगा वो जेड होगा B का Y होगा C का X होगा D का W होगा E का V होगा F का U होगा G का T होगा H का S होगा I का R होगा J का Q होगा K का P होगा L का O होगा M का N होगा तो ये उल्टे में होंगे इसके पूछा जाएगा कभी कभी रीजनिंग ऐसे पूछ लेता है कि अगर ए डी एफ बराबर है जेड डब्लू यू के तो बताइए जी के एम किसके बराबर होगा तो सीधे दिख रहा है एक ही जगह पे उसका उल्टा आया हुआ है जो लास्ट है मतलब ए पहला है तो लास्ट आया हुआ है बिल्कुल तो फर्स्ट लास्ट इस तरीके से सेकंड सेकंड लास्ट इस तरीके से चलता है तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं साथ ही साथ हमें क्या ध्यान देना है इनको कैसे याद करें तो याद करने का तरीका तो एक शॉर्ट ये है कि एल का ओ हो जाएगा एल ओ हो गया और V का E हो गया तो 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 आसानी से याद हो गए L O V लव हो गया ठीक है एक तो ये याद हो गया B Y बाई लिख सकते हैं B का Y बाई हो जाएगा ठीक है ना D का W हो जाएगा D W ठीक जो आसानी से हम G T हो जाएगा G T ठीक है ना I R हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके से K P या P K हो जाएगा P K तो इस तरीके से कुछ हम याद कर सकते हैं ताकि हमें जब क्वेश्चन दिखे रीजनिंग में तो वहाँ पे हम आसानी से कर पाए इसे ये एक तरीका इसका हो सकता है याद करने का अब इसमें एक दो तीन चीजें और ध्यान देनी है कि एक तो वर्ल्स और कंसोनेंट का ध्यान देना है स्वर और व्यंजन जिस प्रकार हिंदी में होते हैं इंग्लिश में जो स्वर व्यंजन होते हैं उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं सीधे तो इसमें होते हैं पाँच स्वर होते हैं पाँच वर्ल्स होते हैं जो हम कहते हैं वी ओ डब्ल्यू ए एल एस होते हैं पांच और बाकी इक्कीस जो होते हैं व्यंजन कंसोनेंट होते हैं जो कंसोनेंट जो होते हैं इंग्लिश में इक्कीस होते हैं तो इक्कीस और पांच छब्बीस वर्ल्स कौन कौन से होते हैं वर्ल्स होते हैं ए ई आई ओ यू ध्यान दें ए आई ओ और यू तो इन पे भी क्वेश्चन सीधे बन लेता है रीजनिंग में कुछ भी बन सकता है तो लेकिन या ये याद होने चाहिए हमें बाकी इक्कीस व्यंजन हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना इंग्लिश वाले साथी खासतौर पर ध्यान रखें कि वर्ल्ड को स्वर कहते हैं और कंसडेंट को व्यंजन कहते हैं ध्यान दीजिएगा तो व्यंजन इक्कीस है और स्वर हैं पाँच तो इस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनेगा दूसरी बात की जब वर्णमाला में दाएं या बाएँ की बात होगी तो अपने को रख के देख लीजिए कि दाया क्या होता है जैसे दाया का मतलब राइट तो राइट साइड को चलना पड़ेगा जैसे पूछा कि डी के दाएं तीसरा कौन है डी के दाएं तीसरा कौन है तो दाएं मतलब राइट साइड एक दो तीन जी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा ठीक है या पूछ लेगा कि जे के बाएं पांचवां कौन है जे के बाएं पांचवां तो जे ये है बाएं पांचवां एक दो तीन चार पांच ई तो इस तरीके से हमें अपने हिसाब से रखना है अपने को कि हमारा राइट कहाँ है हमारा दाया कहाँ है और हमारा बाया कहाँ है हमारा लैप्ट है तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये बेसिक्स हैं इसके ये जानना बेहद जरूरी है ताकि आगे सॉल्व करने में आसानी होती है अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन इसमें बेसिकली किस टाइप के बनते हैं इस पर भी देख लीजिएगा आप क्वेश्चन क्या क्या होता है कि दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक तो बनता है कि शब्द कोश यानी डिक्शनरी के जैसे क्वेश्चन की डिक्शनरी में कौन सा शब्द किस नंबर पे आएगा इस तरीके से पूछा जाता है एक चार प्रश्न दिए जाएंगे और चार ऑप्शन दिए जाएंगे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा शब्द अंग्रेजी शब्द कोश के हिसाब से इस तरीके से पूछा जाएगा दूसरा स्थान के बारे में पूछा जाएगा कि जैसे पूछ दिया जाएगा कि स्वर के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है या ओ के दाएं दाए दाएं के बाएं तीसरे स्थान पे इस चीज़ों का ध्यान रखना है तीसरा जो सवाल पूछा जाएगा तीसरे टाइप का सवाल कि स्थानों के यानी अक्षरों की बात की, जा, की जाएगी अक्षरों की बात की जाएगी ठीक है तो इस तरीके से सवाल बनेंगे तो कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और दो तीन क्वेश्चन हम आपको लास्ट में डिस्प्ले भी कर देंगे उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए तो एक क्वेश्चन जैसे दिया है कि शब्द कोश के अनुसार शब्द को शब्दों को सजाइए और यह बताना है कि शब्द कोश के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन आएगा तो चार ऑप्शन दे देंगे एक हमें दिया है प्लान ठीक है सेकंड हमें दिया है प्लान ठीक है थर्ड हमें दिया है प्लेस और फोर्थ हमें दिया है प्लेयर ठीक है जी अब हमें इसे बताना है कि शब्द कोश के हिसाब से दूसरे स्थान पर कौन आएगा दूसरे स्थान पर शब्द कोश डिक्शनरी के हिसाब से तो पहले तो डिक्शनरी की अंडरस्टैंडिंग इसमें पूरी काम आएगी तो डिक्शनरी का क्या तरीका होता है डिक्शनरी ए से शुरू होती है ठीक है ना पैटर्न क्या होता है कि ए से शुरू हो रही है यहां पे जो भी है उस वो पहले नंबर पे आएगा और उसके बाद वाले उसके बाद आएंगे जैसे पी के बाद यहां पे P के बाद Q की डिक्शनरी शुरू होती है L के बाद जैसे पी एल लिखा है तो पी एल वाले के बाद पी एम की डिक्शनरी शुरू होगी इस तरीके से होगी तो इन चीजों का ध्यान पी एल ए एन ई लिखा है ठीक है ना तो यहाँ पे ए है तो इसके बाद बी शुरू होगा यहाँ पे भी सिमिलर है तो एन है इनमें कोई डिफरेंस होगा ई e, सेम e, है तो उनमें भी कोई डिफरेंस हमें देखना है तो ध्यान दीजिएगा पी तो सभी में है तो पी से शुरू है एल भी सभी में है ठीक है एल भी कॉमन है अब तीसरे वाले पे आते हैं ए ए ए भी सभी में कॉमन है अब चौथे वाले पे आते हैं एन पे तो यहाँ पे एन है यहाँ पे आई है ठीक है यहाँ पे सी है और यहाँ पे वाई है तो ध्यान दीजिएगा पहले कौन सा आता है सी आता है इन सब में सी तो सी यानी ये पहले नंबर पे आएगा डिक्शनरी के हिसाब से उसके बाद आई आता है ध्यान दीजिएगा आई दूसरे स्थान पे आएगा उसके बाद एन आता है तो ये तीसरे स्थान पर आएगा और वाई आता है चौथे स्थान तो इस हिसाब से हमें डिक्शनरी का क्रम सजाना है क्वेश्चन इससे आया था 2017 के पेपर में तो ये भी ध्यान रखना है तो दूसरे स्थान पे कौन है प्लेन पी एल ए आई एन प्लेन तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे ठीक है तो ये देखना है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है अगला क्वेश्चन बता रहा है कि कौन दिए गए अक्षर से नहीं बन सकता ये भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं तो सिग्नेचर जैसे लिख दिया है एस आई जी एन ए टी यू आर ई -E, सिग्नेचर दिया है और चार ऑप्शन दे दिए गए हैं जैसे पहला ई एन टी आर ई सेंटर दूसरा दिया है नेचर नेचर दिया है तीसरा हमें दिया है र... र... रिजाइन ठीक है चौथा हमें दिया है गेस्ट अब हमें इसमें से बताना है कि कौन इनसे नहीं बन सकता इनके अक्षरों से कौन नहीं बन सकता तो देखो पहला सेंटर सी ई एन टी आर है कि नहीं ये देखना है तो देखिए बाकी तो ई e भी है एन भी है टी है आर है ई e भी है लेकिन सी इसमें नहीं अवेलेबल है देख लीजिएगा सी कहीं भी नहीं है सिग्नेचर में तो इसका मतलब सीधे हमारा आंसर हो गया पहला वाला अन्यथा हम औरों पे भी चेक करते हैं ये वाला क्योंकि नेचर के तो सारे इसमें है एन ए टी यू आर नेचर आर ई एस आई जी एन तो ये भी इसमें है आर ई एस आई जी एन रिजाइन गेस्ट जी टी ठीक है ना तो इस तरीके से सेंटर से इसका आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें बनते दिखेंगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला एक सवाल और ले लेते ले हैं हमें पूछा गया है हमें दिया गया है प्रेमबल पी आर ए एम बी एल ई -E, प्रेमबल ठीक है प्रेमबल ये हमें दिया गया है हमें ये बताना है कि इसमें ऐसे कितने युग्म हैं प्रेमबल में ऐसे कितने युग्म हैं है, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं यानी इनमें कौन कौन से ऐसे युग्म हैं जोड़े हैं उनका जैसे कहने का मतलब यह है कि ए ना बी सी अब यहां पे चाहे कुछ भी है लेकिन चाहे यहां पे ई एफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इनके बीच में गैप तो दो ही का है ना बी सी दो स्थानों का गैप है हमें यही बताना है ऐसे जोड़े बताना है हमें जैसे ए डी है तो देखिएगा इसमें एक तो चाहे बैकवर्ड में हो चाहे आगे की तरफ हो चाहे पीछे यानी दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ कहीं भी बताना है तो देखिएगा बी के बाद सी डी ई एक जोड़ा तो ये हो गया ठीक है इसके साथ साथ और देख लीजिएगा ए बी सी डी ई e. दूसरा जोड़ा यह बन रहा है और इसके अलावा कोई जोड़ा बनता नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है तो दो जोड़े इसमें बनेंगे ठीक है ना तो ये इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा एक दो तीन चार इनमें से कितने जोड़े बन रहे तो दो जोड़े बन रहे है. तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में ठीक है एक सवाल और ले लेते हैं यह पूछ रहा है कि अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठवा अक्षर ध्यान दीजिएगा अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठवां अक्षर ध्यान दें पहले छठवां अक्षर अंतिम स्वर अक्षर से पहले छठवां अक्षर कौन सा होगा अंतिम स्वर कौन सा होता है हमने बताया पांच स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू ठीक है यू अंतिम स्वर है हो गया पहले यानी बाई तरफ पहले की तरफ आना है ठीक है ना तो पहले यही होगा तो कौन सा छठवां एक दो तीन चार पांच छे. तो ओ हो जाएगा तो ऑप्शन आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा ओ तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे साथियों बड़ा आसान है लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की और इसे नजरअंदाज किया तो एग्जाम में बहुत समय वेस्ट भी करता है और हो सकता है गलत भी हो तो इसलिए कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे आपको उनको आप सॉल्व कर लीजिए और डिस कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि उनका आंसर क्या होगा